अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये सोचा था कि मुझे कुछ गोल्ड मेडल्स मिलेंगे वीक्यू से, पर ऐसा 16 गोल्ड मेडल, 16 गोल्ड मेडल्स, वो भी ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करके हिस्ट्री क्रिएट करता, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह का जो उसने मुझे ऐसा नवाजा है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे और अचीव करूँ और ऐसा लोगों को इंस्पायर करूँ। जी, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मैं स्कूल डेज के जब तब मेरे को MBBS में इंटरेस्ट था, मेरे को मेडिकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था। बट PUC सेकेंड ईयर में जब मेरे को मेरा मैथमेटिक्स बहुत इम्प्रूव लगा, मेरे को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आया, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना। एंड सिविल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि मेरे को रायचूर में स्टडीज कंप्लीट करना था, मेरे को ग्रेजुएशन, और मेरे को ऐसा लगा कि सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसको कोई टॉप कॉलेजेस की फैसिलिटी नहीं चाहिए, कोई टॉप सिटीज में हमको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब्स मिलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब मिलते हैं, एक एवरग्रीन ब्रांच है। तो ये लिहाजे से मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया, मेरे PUC सेकेंड ईयर में मैंने ये माइंडसेट किया था। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में जो मैं फॉलो किया, ऐसा डेली डेली मैं हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखती थी कि डेली 4 आवर्स 8 आवर्स पढ़ना, नहीं। जब हम डेली डेली रूटीन करेंगे तो मोर देन 1.5 आवर काफी हो जाता है हमारे डेली रूटीन के लिए, डेली पोर्शन को कवर करने के लिए। तो डेली डेली अपडेट रहना मैं ये कहना चाहती हूँ। और मेरा इंटरनल्स पे ज्यादा फोकस था, तो मैं इंटरनल्स में ज्यादा प्रिपेयर होती थी, वो चीज जो है मेरे सेम के एग्जाम्स के लिए इजी हो जाती थी, और ऐसा मैं सेमिस्टर्स में भी टॉप आ जाती थी। राइट नाउ मैं UPSC ऑनलाइन कोचिंग ले रही हूँ और उसी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। मेरा एम है कि मेरे को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरा थ्री सेम्स जो है वो कोविड के वजह से मतलब ऑनलाइन ही चले, तो इसमें भी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरे को इंजीनियरिंग कुछ टफ लग रहा, मेरे को ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने ये फील्ड क्यों चूज की। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैंने ये फील्ड चूज की मेरे इंटरेस्ट से, और मेरे को ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ये फील्ड से नहीं लगा, मेरे को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि थ्री सेम्स मेरे कोविड में ही थे तो ऑनलाइन ही चले, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी प्रॉब्लम्स है या डिस्ट्रेस होने का था, उसका सल्यूशन तो सिर्फ नमाज थी, अल्लाह से मांगना था, अल्लाह से बातें करना था, उससे मेरे को सल्यूशन मिलता था। यकीन के साथ मैं हर किसी को कहना चाहूंगी कि आपको चाहे वो स्टडीज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो या आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सल्यूशन नमाज है। अल्लाह से दुआ करने से हर चीज कामयाब होती, और मैंने भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया था। जी, मेरा कामयाबी का तो की फैक्टर पहले तो मेरे अल्लाह है, जो उन्होंने मुझे ये नवाजा है, इस मुकाम पे लाया है मेरे अल्लाह ने। मैं अल्लाह सुबहाना तआला के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसमें मेरे वालिदैन का तो सपोर्ट है ही है और हमेशा रहेगा, कभी उन्होंने प्रेशर डाला ही नहीं मुझ पे, और ये मेरा खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन था। इसी में मेरे को इसी से पता चलता है कि मेरे वालिदैन मेरे लिए कितने सपोर्टिव है। और नेक्स्ट थिंग, ये अचीवमेंट के लिए मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मैं मेरे बड़े भाई शेख तनवीरुद्दीन को देना चाहूंगी, क्योंकि ये 4 ईयर्स की जर्नी रहो या PUC रहो, उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, ही स्टूड बाई मी। और कभी भी रहो, कुछ भी रहो, किसी भी चीज में रहो, मुझे आगे बढ़ाया है, मोटिवेट किया है मेरे बड़े भाई ने, एनकरेज किया। और रही बात मेरे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, वेल विशर्स, अब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और उनका अप्रिसिएशन देख के मेरे को और मोटिवेशन मिल रहा है। तो और मेरे कॉलेज के फैकल्टीज है, और जो SLN कॉलेज है मेरे फैकल्टीज है, और सब लोग रायचूर के जो भी लोग हैं इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं, ये सब कंट्रीब्यूशन उनके लिए भी जाता है। तो मेरा ये सब की फैक्टर्स होते हैं इस अचीवमेंट के लिए। ये जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं भी बहुत लोगों से इंस्पायर हुई हूँ, और जो भी मेरे से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने डिसीजंस वाइजली लो, ना कि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, और ऐसे डिसीजंस लो और होप्स रखो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो
तो आप अपना अचीवमेंट्स, जो भी जहां भी गोल आपका है उसको आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। होप्स रखो और प्रिपेयर वेल करो। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ये ट्रू है। आप जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे। और कंसिस्टेंट रहो अपने अचीवमेंट्स पे, गोल्स पे, डिस्ट्रैक्ट मत हो उस चीजों से। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि वालिदैन की एडवाइस सब में बड़ी एडवाइस है, उनके बातों पे यकीन करना और अपना खुद का डिसीजन लेना और इंडिपेंडेंट ठहरना, अपने पैरों पे ठहरना और फाइनेंशियली रहो और इंडिपेंडेंट होना, मैं ये कहना चाहती हूँ सर।